हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थर्डम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फर्स्ट आर्य समाज चैलेंज आइडल वर्शिप एज अ परवर्स परिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल वेदिक फायर रिचुअल्स सेकेंड इस्लामिक कंसेप्शन बिलीव इन फॉर्म लेस गॉड तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज सी बोथ एंड दोनों स्टेटमेंट जो है वो correct है वो करेक्ट आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आइडल वर्शिप को चैलेंज किया था इट ऑल्सो बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड और उन्होंने जो ओरिजिनल वेदिक फायर रिचुअल्स है उसको सपोर्ट किया था कि आइडल वर्शिप के सब्सटीट्यूशन में वेदिक फायर रिचुअल्स जो है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए इस्लामिक कंसेप्शन जो है वहां पे भी फॉर्मलेस गॉड में माना जाता है

या किसी एक फेथ को फॉलो नहीं सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल रिजेक्ट आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ कम्युनालिज्म कोई भी एक कल्चर या फिर एक धर्म को फॉलो नहीं करता सभी बिलीफ uh, एंड सभी कम्युनिटीज के अंदर हर एक धर्म के जो अच्छी चीजें हैं वो अडॉप्ट की गई है और उसको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है ये काफी अच्छा आर्टिकल है अगर सेक्युलरिज्म या कम्युनलिज्म के कोई ऐसे या फिर कोई क्वेश्चन आता है तो इस आर्टिकल में से काफी सारी चीजें आप कोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप इज लिमिटेड टू एशियन रीजन ओनली फर्स्ट एससीओ दैट इज शां कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड बिबिन थर्ड सार्क एंड फोर्थ आरसीईपी तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज बी वन टू एंड थ्री फोर्थ इज नॉट रिलेटेड टू एशियन रीजन ओनली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट से हैं बिबिन का मतलब क्या होता है भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल तो ये चारों कंट्री जो है वो भी एशिया को बिलोंग करते हैं सार्क का मतलब क्या होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल को ऑपरेशन तो यहां पर भी सारे मेंबर्स जो है वो एशिया से है आरसीपी जो है इट इज इट इज एन एफ टी ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द आसियान नेशंस प्लस सिक्स अदर नेशंस अब ये सिक्स अदर कंट्रीज जो है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी इन्वॉल्व है एन्य so, मीटिंग so, हुई थी जहां पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया था तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को मैंशन किया गया है तो इन सभी के बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए

करेक्ट आंसर इज सी वन एंड थ्री सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन ये करेक्ट है इसके अंदर पर्टिकुलर मैटर क्या दी गई है, कि जितने भी है उन सभी को पर्सन विद नॉन डिसबिलिटीज के इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए मतलब कि उनको कुछ सर्टेन राइट्स जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एज अ प्रोवाइड करना और इसके ऊपर इंडिया ने 2016 में एक कानून भी बनाया था जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिबिलिटीज एक्ट 2016 तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इंडिया इज येट टू लेजिस्लेट अपॉन द मैटर्स तो इस वजह से ये गलत होगा थर्ड इज करेक्ट कि यहाँ पे जितने भी पर्सन विथ डिसबिलिटीज है उन सभी को इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ऐसा इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में कहा है इवन इफ ही डिटेनी का मतलब कि किसी को अगर अरेस्ट किया है और डिटेंशन में रखा है तो फिर भी उनको वो सारे राइट मिलने चाहिए जो ह्यूमन राइट सभी को मिलते हैं तो थर्ड जो है वो करेक्ट है आंसर इज सी वन एंड थ्री सो रिसेंटली ये मुद्दा जो है वो सामने कब आया जब एन आई ए एक केस को डील कर रहा था अंडर दू ए पी ए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो कि NIA जो है वो बीमा करेगा वायलेंस हुआ था 2018 में उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसके अंदर उन्होंने एक फादर स्टैन स्वामी जो है उनको डिटेन किया था ही इज 83 ईयर ओल्ड और उनको जेल के अंदर ये स्ट्रॉ एंड सीपर्स जो है वो डिनाय किए गए तो तब जाके ये मुद्दा उठा था कि पर्संस विद डिसेबिलिटीज को ये राइट है कि उनको भी नॉर्मल कैदी की तरह ये सब चीजें मिलनी चाहिए और इसके ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फर्स्ट बोथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर अ सिंगल लेजिस्लेशन सेकेंड कोऑपरेटिव बैंक सेटिस्फाई लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रूरल एरिया तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है अब देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? इंडिया के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, अ मल्टी रेगुलेटरी बॉडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर अगर मान लो कि ये कोई स्टेट स्पेसिफिक कोऑपरेटिव बैंक है इफ इट इज स्टेट स्पेसिफिक तो स्टेट गवर्नमेंट के जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होंगे कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार सोसाइटी वो इनको रेगुलेट uh, करेंगे अलॉन्ग विद इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फोर्टी right? राइट तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो ड्यूअल रेगुलेटरी बॉडी अगर मान लो कि वो मल्टी स्टेट में काम करते हैं तो उनको सेंट्रल लेवल पे जो रजिस्ट्रार होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेंट्रल रजिस्ट्रार वो रेगुलेट करते हैं एंड अलोंग विद इट आल्सो टे सिर्फ येगुलेट करता है, ये जो है वो डिफरेंट है, तो मतलब है, है. यहाँ पे क्या लिखा है की बोथ आर रेगुलेटेड इन अगल लेजिस्लेशन तो इस वजह से यह गलत होगा सेकेंड जो है वो करेक्ट है कोऑपरेटिव बैंक जो है उनका मेन इंटेंशन यही था कि रूरल एरियाज में इजीली क्रेडिट जो है वो एक्सेस हो सके कम इंटरेस्ट रेट पे और रूरल एरियाज के अंदर डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट जो है वो भी ज्यादा हो तो इस वजह से कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रूरल एरियाज के इंटरेस्ट को ज्यादा सेटिस्फाई करता है सो आंसर इज बी सेकेंड ओनली सो रिसेंटली ये जो आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंडेशन दी थी कि कंपनीस को प्राइवेट कॉरपोरेशन को बैंक प्राइवेट बैंकिंग के अंदर एंट्री दी जाए तो उसके अगेंस्ट में ये कल के न्यूज पेपर में आर्टिकल था काफी अच्छा आर्टिकल था ये जो एयर डेक्कन के फाउंडर है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था स्टार्टिंग में उन्होंने काफी अच्छी बात कही है कि इफ आई एम अलाउड टू ओपन अ बैंक और ओन अ प्राइवेट बैंक तो अगर मान लो कि मेरी एयरलाइंस के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो क्या मैं उस पर्टिकुलर बैंक में उसके जो लूप होल्स है उसका यूज नहीं करूंगा क्या तो ये काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं और इस इसके अंदर काफी सारे फैक्ट्स भी है कि प्रीवियसली किस तरीके से आरबीआई के जो अपने ऑफिशियल्स उन्होंने भी इस बात को डिनाई किया था क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जेसीपीओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट फर्स्ट इट सीक्स टू प्रिवेंट ऑल द साइनिंग कंट्रीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन बाय ऑन एटोमिक प्रोग्राम्स

यस इट वॉज साइंड बाई दर्मानेंट में प्लस जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन एंड ईरान तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकने के लिए उसके जितने भी एटॉमिक प्रोग्राम है उनको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था ताकि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर का यूज ना करे सो ऑल दिस कंट्री पुट सैंक्शन अपॉन ईरान 15 साल के लिए इस ट्रीटी का टेन्योर है और यहां पे क्या लिखा है कि जितनी भी कंट्री ने ये एग्रीमेंट साइन किया है सभी को अपने न्यूक्लियर वेपन जो है उसका प्रोडक्शन बंद करना होगा तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा सेकेंड जो है वो करेक्ट है यूएनएससी के जितने भी परमानेंट में यूएसए यूके फ्रांस चाइना एंड रशिया तो ये सारे कंट्रीज ने ये ट्रिटी जो है वो साइन की है और अगर मान लो कि ईरान जो है इसका कंप्लायंस कर रहा है या नहीं तो ये कौन चेक करेगा इट इज टू बी वेरीफाइड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई जो बॉडी है वो इसका कंप्लायंस जो है उसको वेरीफाई करेगा दैट वेदर ईरान हैज कंप्लाइड विदर्म्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट और नॉट सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली सो so, जब ये यूएस के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं तो उनके सामने एक ये चैलेंज होगा कि किस तरीके से फिर से उनको जे के अंदर एंट्री दी जाए और किस तरीके से वो फिर से, से सेंक्शंस लगा सके क्वेश्चन नंबर सिक्स द टाइग्रे रीजन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री ऑप्शन ए एरिट्री ऑप्शन बी आर्मेनिया ऑप्शन सी इथोपिया एंड ऑप्शन डी आजरबैजान तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज सी इथोपिया इथोपिया में उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है उसका नाम क्या है टाइग्रे रीजन और ये न्यूज में क्यों रहता है बिकॉज रिसेंटली वहां पे ये जो टाइग्रे प्रोविंस है वहां पे जो सेपरेटिस्ट थे तो उनके ऊपर वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमला करवाया था एबी अहमद लॉन्च लार्ज स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट दी सेपरेटिस्ट ऑफ दिस प्रोविंस लास्ट ईयर ये जो प्रेसिडेंट है उनको इसके लिए उनके काम के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कि हाउ ही वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड हाउ ही वॉन्टेड टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन विद दी लेकिन इस साल उन्होंने ऐसा स्टेप लिया तो उसके चलते ये नोबेल पीस प्राइज की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए थे तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया था कल के न्यूज पेपर में अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज न्यूज पेपर से होंगे ओनली ऑथोरिटी टू समन ऑफ़ पार्लियामेंट सेकेंडन ऑफ पार्लियामेंट स्पान फ्रॉम इट समू इट्स प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात करेक्ट है कि प्रेसिडेंट ही सिर्फ ये अथॉरिटी है कि जो पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं टू समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट तो फर्स्ट जो है वो इन करेक्ट इज अब ये स्टेटमेंट जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा लेकिन यहां पे क्या लिखा है डिजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस यू बेटर नो दैट द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन राज्यसभा जो है उसका डिजोल्यूशन नहीं होता यहां पे अगर ऐसा लिखा होता कि डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होता बिकॉज पार्लियामेंट का सेशन का मतलब क्या होता है जब उसको समन किया जाता है उस टाइम पीरियड से लेके जब तक वो प्ररोग नहीं होता या फिर लोकसभा जो है वो डिजोल्व नहीं हो जाती ओनली द लोकसभा तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को क्या कहेंगे सेशन कहेंगे और यहां पे क्या लिखा है डिजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा आंसर इज ए वन ओनली सो अभी फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है एंड दे डिमांड अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड दे वांट द लॉस टू बी रिपील्ड क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर कंस्टिट्यूशनली करेक्ट

कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर उनका कंडक्ट जो है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में आप डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे क्या लिखा है कि एनी वेयर इन इंडिया वैसे तो कई सारे लोग जो है वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर टिप्पणी देते हैं डिस्कशन भी करते हैं तो मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवेलिड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का ही लिखा है और ऊपर से यहां पे लिखा है कि इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज हाईकोर्ट के जज जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जज जो है वो भी अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को ही देते हैं तो थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा सेकंड जो है वो करेक्ट है उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है रिटायरमेंट की एज जो है वो सिक्सटी तय की गई सो आंसर इज बी सेकेंड ओनली सो ये हाई कोर्ट के जज जो है फॉर्मर हाई कोर्ट के जज वो न्यूज में है बिकॉज ऑफ हिज रिमार्क्स अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड क्वेश्चन नंबर नाइन रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ नाफेड फॉर डैश ऑप्शन ए बांबू ऑप्शन बी हनी ऑप्शन सी रबर एंड ऑप्शन डी कॉटन तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज हनी रिसेंटली ये जो नाफेड़ है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने हनी के लिए ये एफपीओ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसके अंदर पर्टिकुलरली जो हनी के प्रोडक्ट्स है उनके लिए ये फार्मर प्रोड्यूसर का एक ऑर्गेनाइजेशन बना जाएगा एंड देन इट विल प्रमोट प्रोड्यूस्ड बाय हनी रिसेंटली ये दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था so, सो काफी सारे न्यूज़पेपर में ये हनी uh, को लेके ये जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है वो आज के न्यूज में है कि हनी के बदले बहुत सारी जो फेमस कंपनीज है वो शुगर सिरप को सेल करती है और उनको नाम देते हैं हनी कुछ कंपनीज का नाम भी दिया गया था जैसे पतंजलि है डाबर है तो इन सब कंपनीज का सैंपल इकट्ठा किया गया और उस सैंपल्स के अंदर कुछ गड़बड़ पाई गई क्वेश्चन नंबर टेन द इंग्लिश चैनल सेपरेट्स डैश एंड डैश ऑप्शन ए यूके एंड आयरलैंड ऑप्शन बी फ्रांस एंड पोर्टुगल ऑप्शन सी यूके एंड फ्रांस एंड ऑप्शन डी यूके एंड नॉर्वे तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज सी यूके एंड फ्रांस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश चैनल है एंड इट सेपरेट्स यूके इट्स इंग्लैंड पार्ट फ्रॉम दी फ्रांस सो अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन उनको रिपब्लिक डे के अंदर इनवाइट किया गया है इस वजह से ये कंट्री न्यूज में है ओके okay फ्रेंड्स तो आज के टेन एम सी क्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू